हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 50। जैसे ही वंशिका और दर्श ने अनाउंसमेंट की, पूरे हॉल में अंधेरा छा गया और स्टेज के पीछे बने एंट्रेंस की तरफ स्पॉटलाइट बढ़ी। उस जगह के इर्द गिर्द पूरा धुआं था और सिर्फ दो लोगों की परछाई नजर आ रही थी, जिस कारण सबके मन में वंश की वाइफ को देखने का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया। वहां बैठा चौधरी परिवार भी उस ओर देखते हुए आपस में बोला, कौन है वो लड़की, किसके साथ अचानक वंश सिसोदिया जैसे आदमी ने शादी कर ली? तो आकेश भी उस ओर देखते हुए बोला, होगी कोई भी, हमें क्या, वैसे भी पता चल ही जाएगा ना, देखते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा स्पॉटलाइट में धीरे धीरे चलकर आती दोनों परछाइयां नजर आने लगी है और अचानक ही सबके सामने वंश के साथ रिवा का चेहरा आया, जिसे देख सब हैरान रह गए। रिवा को वहां वंश के साथ देखकर आकेश पहले तो हैरान हुआ, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा, तो वो बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरी रिवा से शादी कर ली, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा इसे। और ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से और जुनून से लाल हो गई थी और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी वहां मौजूद उसके पिता अखिलेश चौधरी ने उसके हाथ को थाम उसे रोकते हुए उससे कहा, अपनी पागलपंती ना अपने हद में रखो, भूलो मत यहाँ लोग और मीडिया है, और जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वो एक जाना माना बिजनेसमैन है, उसकी पहुंच हमसे भी बहुत ऊंची है। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़की अब कोई आम लड़की नहीं रही, वंश सिसोदिया की बीवी है। लेकिन अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी पॉलिटिकल करियर खतरे में आ सकता है, इसलिए शांत रखो खुद को और बस तमाशा देखो, और इस बात का शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारी सगाई की अनाउंसमेंट नहीं की थी उस वक्त, वरना आज कितनी बेइज्जती हो रही होती। और ये कहते हुए उन्होंने आकेश को अपने पास ही खड़ा कर लिया। उसे उनकी बात रास तो नहीं आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो उनकी बात मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने शांत रहना ही बेहतर समझा और अपनी जलन भरी निगाहों से वंश और रिवा की तरफ देखने लगा, जो एक दूसरे में खोए हुए थे और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अब वो दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे और उनके लिए सब लोग हूटिंग कर रहे थे। तभी दर्श और वंशिका ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करने का इशारा किया, जिसे पाकर दोनों थोड़ा झिझके और फिर एक दूसरे का हाथ थाम इसी गाने के आगे के बोल पर डांस करने लगे। तो लड़की की आवाज में जो शेर अर्ज हुआ उसे सुनकर रिवा की झुकी पलके खुद ही उठी और वंश की नजरों से जा टकराई, जो खोकर बस उसे ही देख रहा था, जिसके बाद उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ वंश को देखा और अपनी पलके झुका दी। तो वंश ने भी उसे कमर से थामा और बहुत ही एहसास के साथ उसका एक हाथ थामे उसे अपने करीब करते हुए उसके साथ डांस करने लगा, जैसे वहां और कोई है ही नहीं। दोनों एक दूसरे में खोए थे, अब तो शायद दोनों के कानों में गाने के या उसके शेरों के बोल तक नहीं गूंज रहे थे। रिवा ना चाहते हुए भी वंश में खोने लगी थी। आखिर ये उसके एहसास भरी आंखों का कमाल था कि वो खुद भी उनमें डूबने से खुद को रोक नहीं पाई। तभी सारी लाइट्स अपने आप ऑन हुई और उन दोनों पर ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी, जो फिजाओं को और ज्यादा रुमानी बना रही थी। आखिर के शेर पर आते आते वंश ने रिवा को बहुत जोर से घुमाकर अपनी ओर किया, तो वो उसके सीने से आ लगी। अब वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की बड़ी हुई धड़कनें बखूबी महसूस कर सकते थे। गाना खत्म हो चुका था, लेकिन वो दोनों अब भी एक दूसरे के सीने से लगे थे। वंश अपनी मोहब्बत में बहकता चला गया और रिवा उसके एहसासों में। तभी सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई तो वो दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद वो लोग वहां लगे माइक के पास आए, फिर वंश उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए सबसे बोला, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज मेरी इस खुशी में शरीक हुए। उम्मीद है आप लोग पार्टी को एंजॉय करेंगे, और आज की शाम मेरे और रिवा के प्यार के नाम। और ये कहते हुए उसने एक नजर रिवा को देखा तो उसने भी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो दोनों स्टेज से उतरकर सबको ग्रीट करने लगे। पर ये सब देखकर आकेश अपने गुस्से को कैसे काबू कर रहा था वही जानता था, लेकिन कोई और था जो हैरान थे, और वो कोई और नहीं बाकी परिवार वाले थे, क्योंकि वो जानते थे रिवा का अचानक बदला व्यवहार कुछ सही नहीं है। पर ये हुआ कैसे, वो वही जानना चाहते थे। दर्श और वंशिका तो हैरानी से मुंह फाड़े उन दोनों को देखे जा रहे थे। तभी वंशिका ने दर्श का हाथ खींचते हुए उसका ध्यान अपनी ओर किया और उससे बोली, ओए पतलू, तुझे भी वही दिख रहा है ना जो मुझे दिख रहा है, ये दोनों सबके सामने बोल रहे हैं प्यार शब्द एक दूसरे के लिए, कहीं मैं बहरी तो नहीं हो गई। और ये सोचते हुए वो अपने कान में उंगली डालकर थोड़ा सा हिलाकर अपने कान को चेक करने लगी। इस पर दर्श उससे बोला, नहीं मैंने भी वही सुना जो तूने सुना, पक्का तब कुछ हुआ है जब वंश रिवा के साथ रूम में था। अब तो इस बात के पीछे राज क्या है वही दोनों बता सकते हैं, हमें पार्टी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा।
और ये सोचते हुए वो वंशिका के साथ बाकी सबके पास आ गया। तभी रिवा और वंश सबसे मिलते जुलते चौधरी परिवार के पास आए तो रिवा उनसे भी ऐसे ही मिली जैसे किसी अनजान से मिल रही है, और ये बात आकेश को बिल्कुल नागवार गुजरी। पर बाकी सब शांति से उसी तरह उससे मिलकर वहां से बहाना बनाकर लौट गए और साथ ही आकेश को भी ले गए। इसके बाद सभी ने पार्टी को एंजॉय किया, लेकिन घर वालों के मन में अब भी ये सवाल चल रहा था कि रिवा का व्यवहार इतना कैसे बदल गया। इसी वजह से सबने फैसला किया कि वो लोग साथ ही सिसोदिया भवन जाएंगे और रिवा और वंश से इस बारे में सवाल करेंगे। तो पार्टी के खत्म होने के बाद हुआ भी कुछ ऐसा, सब लोग एक साथ वहां से वंश के घर पहुंचे और वहां आते ही वो कुछ पूछते उससे पहले ही रिवा ने जो कहा उसे सुनकर वहां सब हैरान रह गए। ऐसा क्या कह दिया रिवा ने, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।